सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये है भैंसानी नगर RRTS का स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड होने वाला दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन का सामना करना पड़ता है दोस्तों। आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो मेरठ मेट्रो को कंट्रोल किया जाएगा, उसकी बिल्डिंग दोस्तों बनके कंप्लीट हो चुकी है। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है अंदर से। देखो वो सामने चमक रही है आप सभी को, वही है दोस्तों कंट्रोल रूम की बिल्डिंग दोस्तों। और ये सारा है भैंसाली नगर दोस्तों। भैंसाली नगर में आगे देखने के लिए मिलेगा कि एक साइड में तो बस स्टैंड है। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो मेरठ के अंदर बस स्टैंड है वो वहाँ से हट के और ये आ जाएगा दोस्तों मेरठ जो साउथ का स्टेशन है वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे बस स्टैंड बनाया जा रहा है दोस्तों ISBT। और आप लोगों को बता दूँ RRTS आ गई, रैपिड रेल आ गई, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस भी आ गया, तो बहुत सारी सौगात वहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों अभी इस टाइम पे। और भारत सरकार द्वारा एक योजना भी लाई जा रही है दोस्तों मेरठ साउथ के स्टेशन के अगल बगल में दोस्तों। देखो ये है भैंसाली नगर RRTS के स्टेशन, ये है कंट्रोल रूम की बिल्डिंग दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, जो मेरठ मेट्रो को कंट्रोल किया जाएगा इसी बिल्डिंग से दोस्तों। ये अंडरग्राउंड स्टेशन है दोस्तों, और स्टेशन का आप लोगों को बता दूं नीचे फिनिशिंग का काम किया जा रहा है अंडरग्राउंड। और आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, ये कुछ दिनों एक साल में ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता है क्योंकि घनी बस्ती वाला इलाका है दोस्तों। आगे ऐसे ही निकलते हुए आप लोगों को दिखाएंगे चल के बेगम पुल का भी। अब बेगम पुल के बाद में दोस्तों फिर ये एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों, यानी कि पिलर के ऊपर आ जाएगी। वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों आज की, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और ये साल आज ख़त्म हो जाएगा, तो आप सभी को दोस्तों नेक्स्ट ईयर की शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके जीवन में खुशियाँ तमाम हों, देर बहुत सारी हों दोस्तों। देखो आप लोग तो आप लोग सभी इंजॉय करो। अब बढ़ते हैं आगे, फिर दिखाते हैं चल के बेगम पुल। देखो यहाँ पर ये सारा बेगम पुल आ चुका है दोस्तों, और बेगम पुल पर देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लो डाउन रहता, बहुत ज़्यादा इधर उधर से। और सबसे ज़्यादा ये ई रिक्शा वाले ही जाम लगा के रखते हैं, क्योंकि हर शहर में ही भाई साहब बहुत ज़्यादा ई रिक्शा हो चुके हैं आज की डेट में, और गाज़ियाबाद में तो बहुत ज़्यादा पुलिस वाले तंग करने लगे हैं। Thank you.
कुछ तो यहाँ से हो जाती है। देखो एलिवेटेड, ये देखो यहाँ पे ये एलिवेटेड होती चली गई है। आगे देखो बेगम पुल क्रॉस करने के बाद में दोस्तों यहाँ से देखो ये एलिवेटेड होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी हाइट पकड़ती चली जाएगी दोस्तों। अभी ये अंडरग्राउंड चल रही थी अंदर, तो देखो यहाँ से ये पैराफिट वॉल बनाए जा रहे हैं साइडों के। देखो सेटिंग इसमें लगी हुई है, जो साइड की दीवार है दोस्तों उसको बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, देखो आप सभी। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं केपी संत के चैनल पर। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों ये आ चुका है EMS का स्टेशन, मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। देख सकते हैं दोनों साइडों में गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और बीच का बायोडक्ट बना दिया है इन्होंने। लॉन्चर आगे देखने के लिए मिलेगा। देखो कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये स्टेशन EMS कॉलोनी का दोस्तों। दोनों साइडों में दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। और अभी देख सकते हो यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग कर, ये गाटर डाल के बीम डाल दिए हैं। बीम डालने के बाद में दोनों को कनेक्ट भी कर दिया है। और दोनों साइडों में देख सकते हो क्या दोस्तों, इसमें क्या दोनों साइडों के दोस्तों एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। देखो आप लोग, उधर भी बनाया जा रहा है एग्जिट पॉइंट, इधर भी एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। अगली बार आप लोगों को बढ़िया सा अपडेट देखने के लिए मिलेगी 24 में दोस्तों। देखो सारे ही इन्होंने ये बीम डाल, ये दोनों पिलरों के बीच में बीम डालने के बाद में दोनों को कनेक्ट भी कर दिया है। देखो ये सेटिंग लगी हुई है, अब इस पर बायोडक्ट अब स्टार्ट हो जाएगा रखना। देखो लॉन्चर पीछे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस स्टेशन के ऊपर ही। तो अभी काम चल रहा है दोस्तों, सेटिंग का भी काम चल रहा है, ऊपर का फ्लोर वर्क चल रहा है इस EMS कॉलोनी का स्टेशन दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को, एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों। देखो दोस्तों एक लॉन्चर यहां पर लगा हुआ है जो बायोडक्ट को जोड़ता हुआ जा रहा है आगे दोस्तों दौरली के स्टेशन के लिए। देखो किस तरीके से ये लॉन्चर वर्क करता है दोस्तों, सेगमेंट को उठाता है फिर बायोडक्ट को कनेक्ट किया जाता है। आप लोगों को मेरठ के अंदर ही ये पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे, अभी जो बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो चुके हैं, बस एक आधा ही पिलर बचा हुआ है अभी बनने के लिए दोस्तों। बाकी तो सारा काम बिल्कुल पिलर का जो काम था जो दोस्तों
एयर कैप का काम था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 99% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे आप लोगों के एक और लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो एंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब ये वाला देखो लॉन्चर ये साइड में रखा हुआ है, ये लॉन्चर उठ के यहाँ से आगे लगाया जा रहा है, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो देखते रहो एंड तक दोस्तों। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सबसे विशाल और सबसे बाहरी का भरकम लॉन्चर बस दोस्तों यही है, एक लॉन्चर ये है और एक दोस्तों ब्रह्मापुरी के स्टेशन पर लगाया गया, दो लॉन्चर हैं भाई साहब, सबसे विशाल अद्भुत आप लोगों को क्या ही बताएं दोस्तों। देखो ये लॉन्चर यहाँ से कनेक्ट करता हुआ जा रहा है, कहाँ के लिए, मेरठ नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीर और ऐसे ही वीडियोज देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। एक लॉन्चर दोस्तों देखो ये लगा हुआ है जो दौरली के स्टेशन से पहले है, देखो इसने एक पिलर को कनेक्ट भी कर दिया दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लॉन्चर वर्क करते हैं और किस तरीके से सेगमेंट को उठाते हैं और फिर चिपकाते हैं, वो आप लोगों को कल की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि किस तरीके से ये सेगमेंट को उठाया जाता है। के पी संत के चैनल पर देखो ये दौरली का RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है जिसमें कि मेरठ मेट्रो ही दोस्तों रुकेगी। देख सकते हो अभी दोनों पिलर के बीच में ये बीम डालने के बाद में फिर दोनों पिलरों को कनेक्ट किया जाएगा, दोनों पिलर से देखो ये दोनों पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, लेफ्ट और राइट में दोनों में ही कनेक्ट कर दिया जाएगा, बस बीम रखा गया। और यहाँ पर देख सकते हो
कॉन्कोर्स लेवल बन चुका है दोस्तों। अब सेकंड लेवल के लिए काम चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल के लिए, और दोनों साइड में एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। उनका फाउंडेशन का काम तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब पिलर उठाए जा रहे हैं, पियर जो कि स्टेशन से कनेक्ट किए जाएंगे दोस्तों। वो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है मेरठ के अंदर दोस्तों। पर ऐसे ही वीडियोस के पी संत अपने चैनल पर लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि मैं पर डे लाता रहता हूं। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें के सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। पियर कैप के साथ में बस लॉन्चर लगा दिए जा चुके हैं, और अब दिन रात भाई साहब इनको बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो जो लॉन्चर वहां पर आप लोगों ने पीछे देखा था ना, वो यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। देख सकते हो उसके जो सेटिंग है, देखो ये पिलर लगा दिए गए हैं दोनों बीच में। अब इसके ऊपर ही वो रख दिया जाएगा दोस्तों, जो वहाँ पर ट्रक में रखा था ना मैंने बताया था, वो यहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लगा देने के बाद में फिर ये कनेक्ट करता चला जाएगा मेरठ नॉर्थ के स्टेशन तक दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब।